हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आर्या। आज मैं आपके लेके आई हूँ आलू के भजिए, गर्मा गर्म आलू के भजिए। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आने वाला आलू का भजिया है। और यदि बारिश का मौसम है, यदि हमें इस तरह खाने की चीज़ें मिलती है तो क्या कहने। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया आलू के भजिए बने हैं, फूले फूले बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले आलू के भजिए। बच्चों को खासकर बहुत बहुत पसंद आता है ये। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं डाला है और कितने बढ़िया बने हैं। आज की आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लिया है और एक कटोरी बेसन लिया है। एक कटोरी बेसन को हम बाउल में डाल देंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है पानी, एक साथ नहीं डालना है पानी, तो थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छा इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे जब तक ये भी सेट हो जाएगा। ये दो आलू लिए हैं, इसको मैंने छील लिया है आलूओं को। और मेरे पास चिप्स बनाने वाली ये जालियां हैं, एक ये मोटी वाली जाली है और एक ये पतली वाली जाली है। तो आज मैं पतली वाली जालू से बनाऊंगी आलू के भजिए। तो इसको मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब चिप्स बनाते हैं ना, वैसे इसे हम ग्रेट करेंगे आलू को, तो फटाफट से चिप्स बन के तैयार हो जाएगी। आराम आराम से कीजिएगा, यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो इस तरह से मैंने आलूओं की चिप्स बना के रख लिया है। अब इसे हम पानी में डाल देंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसे पानी में डाल दिया है। अब इस घोल में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। एक चुटकी हींग डाल रही हूँ, हींग का फ्लेवर पकौड़ों में बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर, आप मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हींग अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है पकौड़ों में। मिक्स कर लेंगे और ये आलू की चिप्स से ये डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। इसका घोल है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से आलू की चिप्स में बेसन की एक लेयर आ जाना चाहिए, एक कोटिंग होना चाहिए, जिससे जो भजिए हैं वो आलू के वो फूले फूले बनेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी है। बस हमें इस तरह का ही चाहिए, ऐसे रेडी हो गया है ये। तो इसमें अच्छे से आलू की चिप्स में अच्छे से बेसन की लेयर लगना चाहिए, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लेयर लगाएंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है घोल। कढ़ाई में तेल रखा है, पहले हम एक डाल के देखेंगे टेम्परेचर, तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। गैस का फ्लेम हाई किया है, देखिए ऊपर आ गया, मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम इस तरह से चिप्स में आप बेसन लगा देंगे, कोटिंग करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। किक करके डाल देंगे, गैस का फ्लेम हाई रखना है। आप देख सकते कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसे हम पलट देंगे। अब ये कितने बढ़िया बने, फूले फूले बने हैं। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि जो आलू अंदर तक पक जाएगा
ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से, इसे आप निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं आलू के भजिए। अब हम एक और बार फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मैं डाल रही हूँ चिप्स ऊपर आ रहा है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आलू की भजिए बनाते टाइम कि आलू में अच्छे से लेयर होना चाहिए बेसन की, तभी वो अच्छे से फूलेंगे। और आपको आज की आसान सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको आज की रेसिपी मेरी। बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है। ऐसे उलटते पुलटते हम फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारे गर्मा गर्म आलू के भजिए, बनाइए बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार चेकअप करना ना भूलें। और इसके पहले मैंने कांदा भजी वाला वीडियो शेयर किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बना है वो भी। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।